विवेकानंद घाट। वेदों में वर्णित है कि गंगा जल के स्पर्श एवं दर्शन मात्र से रोग शोक आदि मिट जाते हैं। इस समय आप देख रहे हैं श्री राम कृष्ण परमहंस जी का दिव्य मंदिर। यहाँ आते ही पवित्रता का भाव स्वतः ही आने लगता है। यहाँ पर नित्य पूजा अर्चना होती है। भक्त एवं साधुगण यहाँ पर ध्यान और जप में लीन रहते हैं। ये स्थान अत्यधिक दिव्य है। श्री ठाकुर मंदिर के समीप ही सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों का निवास स्थान है। यहाँ पर हमें ऐसे कर्मठ साधुगण एवं ब्रह्मचारी रहते हैं और अपने नित्य कर्मों का निर्वाह करते हैं। आइए अब चलते हैं आश्रम हॉस्पिटल की तरफ। ये 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। हरिद्वार में नंबर 1 चैरिटेबल हॉस्पिटल होने का सम्मान प्राप्त हो चुका है। यहाँ का दिन बड़ा ही व्यस्तम रहने वाला है। यहाँ हर रोज 250 से 300 नए मरीज आते हैं और इतने ही पुराने मरीज दिखाने आते हैं। सर्वप्रथम मरीज को यहाँ काउंटर पर अपना पर्चा बनवाना होता है। फीस बहुत ही न्यूनतम है। श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा एवं स्वामी विवेकानंद जी की रोज पुष्पांजलि द्वारा पूजा की जाती है। पास में ही इंक्वायरी वार्ड है। अब आप अपने मरीज के बारे में और अन्य जानकारियां ले सकते हैं। 4th फ्लोर में सर्जिकल वार्ड है। यहाँ का खर्चा यथासंभव कम ही रखा जाता है, पर मरीजों की सेवा शिव सेवा के रूप में की जाती है। मिशन के डॉक्टर, नर्स एवं सन्यासी द्वारा मरीजों का कुशलता पूर्वक इलाज किया जाता है। मिशन का पूरा स्टाफ ट्रेंड है। आइए चलते हैं 5th फ्लोर पर। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू एवं सीसीयू वार्ड है। यहाँ पर मरीजों का कुशलता पूर्वक ऑपरेशन होता है। और यहाँ का आईसीयू मॉडर्न फैसिलिटी से युक्त है। यहाँ के डॉक्टर्स का एक ही लक्ष्य है कि मरीज को उत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद मरीज जल्दी से खुशी खुशी ठीक होकर अपने घर जा सके। रामकृष्ण मिशन का अपना मेडिकल स्टोर है, जहाँ पर उचित दामों पर प्रमाणित दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। यहाँ का इमरजेंसी वार्ड 24 आवर्स मरीजों के लिए खुला रहता है। कोई भी मरीज यहाँ मात्र 50 रुपए में अपना नाम लिखवा कर प्रवेश ले सकता है और बहुत ही थोड़ी धनराशि से सफलतापूर्वक अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। मरीजों को पैथोलॉजी टेस्ट के लिए कहीं दूर नहीं जाना होता है। मिशन कंपाउंड में ही हाईली एडवांस पैथोलॉजी लैब में अपने सारे ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। सेवा आश्रम की सेवाएं इस प्रकार है। 24/7 इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, सीसीयू एंड आईसीयू डिपार्टमेंट है। यहाँ पर अन्य डिपार्टमेंट भी है, जैसे मेडिसिन, शिशु रोग चिकित्सक, सर्जरी और मदर एंड चाइल्ड केयर, हड्डी रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपी, ENT। सेवा आश्रम में 24/7 पैथोलॉजिकल लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे एक्सरे, ECG, अल्ट्रासोनोग्राफी, सिटी स्कैन एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ है। यहाँ पर ब्लड बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ पर कभी भी अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते। रामकृष्ण सेवा आश्रम की रसोई कोई साधारण रसोई नहीं है। इस रसोई में सन्यासी, ब्रह्मचारी, अतिथियों और मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ हर दिन नए नए एवं सुरुचिपूर्ण भोजन व्यवस्था की जाती है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है, भोजन पौष्टिक एवं शुद्ध हो। यहाँ की गरम गरम रोटियाँ और भोजन देखकर अपने माँ का भोजन याद आ जाता है। देखिए इतनी तल्लीनता से फुलकों को सेका जा रहा है। ऐसा लगता है सेवा आश्रम में हर व्यक्ति कार्य ही पूजा है को मानकर ही कार्य करता है। सेवा आश्रम की मेज में अतिथिगण
एवं सन्यासी ब्रह्मचारीगण पूरे दिन कार्य करने के बाद शांति से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये भोजन इन लहलाते खेतों में पैदा किया जाता है। सारी खेती अपनी भूमि में होती है और ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। कितना अच्छा लगता है प्राकृतिक रमणीय वातावरण हो और साधु संतों का साथ हो। सेवा आश्रम की अपनी ही गौशाला है। गौशाला में गौ माता और उनके बच्चों को बड़ी प्रेम पूर्वक रखा जाता है। सुबह शाम यहाँ आते समय गौ माता को भजन सुनाए जाते हैं। इनके दूध को मरीजों की निःशुल्क दिया जाता है। सेवा आश्रम की किचन के उपयोग में लाया जाता है। भारी भरकम बिल से लोग डर जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि रामकृष्ण सेवा आश्रम कनखल हरिद्वार में असहाय मनुष्य एवं साधु की निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। श्री रामकृष्ण हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और खुशी खुशी दान दे सकते हैं। सेवा आश्रम दिन दुनी रात चौगुनी गरीब असहाय मरीजों की सेवा में तत्पर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वास्तव में वही लोग जीते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ कहने के लिए ही जीवित हैं। आपका दिन मंगलमय रहे, आपका स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहे। धन्यवाद।